जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, जहाँ से हमने ब्लॉग का एंड किया था वहीं से हमने शुरुआत भी कर लिया है और ये रात का सफ़र हम लोगों का शुरू हो गया। अभी रात तो नहीं हुई है बट 6:30 बज गए हैं और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। बारिश भी शुरू हो गई थी रास्ते में ही और बारिश का आनंद लेते हुए हम लोग पहुँच गए हैं नेपाल और यहाँ पर होटल में रुक करके हम लोगों ने रात का भोजन किए हैं और मतलब सभी फैमिली सहित। और सफ़र हम लोगों का ना बहुत ही अच्छा गया। आप लोगों का प्यार है और बड़ों का आशीर्वाद जहाँ पर साथ में हो तो सफ़र में क्या पूछना है। रात का भोजन तो हम लोगों ने टाइम से कर लिया था बट रास्ते में ना इतनी परेशानी कि रास्ता इतना ख़राब था। हम लोगों को यहाँ नेपाल में यानी होटल में 11:30 बजे तक आ जाना था लेकिन ये टाइम 4:30 बजे यानी सुबह का टाइम है और पूरी रात यानी पूरा दिन हम लोग कार में बैठे रहें और पूरी रात हम लोग कार में बैठे रहें यानी न दिन में सो पाए न रात में सो पाए। लेकिन अब सोने का टाइम नहीं है, बस अब होटल में आ करके अपना बैग वगैरह सब सेट से रखते हैं, इसके बाद स्नान ध्यान करके रेडी होना है। और कल के ब्लॉग में हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोगों ने कमेंट किया था कि हम लोग भी गोरखपुर से हैं, हम लोग ना 7:00 गोरखपुर पहुँच रहे हैं, तो आइए आप लोग हमसे स्टेशन में मिलिए। हमको बहुत खुशी होगी कि हमारे सब्सक्राइबर गोरखपुर में रहते हैं। सच बताएं इतना अच्छा लगेगा अपनी यूट्यूब फैमिली से। गाइस, यहाँ पर हम सब लोग रेडी हो गए, हम चाची सभी लोग और चल रहे हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए। यानी आज ना सबके कलर मिल रहे हैं कि हमारे चाची जी लोग के पूजा कहाँ हो सबका कलर एक जैसा। हाँ हाँ, क्या आएंगी हम लोग जीने से जाए। ये होटल में ना बहुत ही अच्छी सुविधा है। आप लोगों को ना मछली भी खा रहे, देखिए पहले मछली के दर्शन करिए, रंग बिरंगी मछलियाँ हैं हमारी हीरोइन नंद रानी। जो गाड़ी चलाने वाले हैं ड्राइवर भैया वो थोड़ी लेट कर दिए थे तो हम लोग ना स्नान ध्यान करने के बाद जल्दी रेडी हुए और वो आने पूरा 1 घंटे टाइम यानी लगा दिए थे लेकिन फिर भी सब लोग रेडी हो गए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं थी। पूजा कहाँ गई? पूजा आ गई। अरे वाह, चलिए आप जल्दी आइए पशुपतिनाथ की यात्रा कीजिए। हाँ, आज हमारी सब बहनों के ना कुछ हो नहीं रही है यहाँ पे। वहीं बैठ जा। सबके साथ यात्रा करने में ना कुछ अलग सा आनंद है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्यों बुआ जी, अच्छा लग रहा है ना? सबकी कारें भी अलग अलग हैं, सब लोग अपनी अपनी कार में एडजस्ट हो जाते, इतनी जल्दी जल्दी होते हैं। हाँ, पहले तो ना हाँ कुछ बोलना नहीं पड़ता है, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है। कलर भी सबकी कारों के कलर भी अलग अलग है, किसी का व्हाइट है तो किसी का ब्लैक है। मनु तो स्नान करने के बाद ना सो गए थे, रात में मनु बिल्कुल नहीं सो पाए थे। क्यों मनु? ध्यान से रखना इस चाबी को। क्यों मनु, सुबह नींद आई है? विभू आपको नींद पड़ी है सुबह? अच्छा लगा? आँख लग गई, पता नहीं चला। हम लोग तो बिल्कुल नहीं आराम किए हैं, बस 15-20 मिनट ना हम चाची सभी लोग ना मस्ती भरी बातें की। रूम में ना बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। बताए मनु क्या हादसा हुआ है? क्या हादसा हुआ है?
चाची जी है गिर गई थी, वो बिस्तर में बैठी, पूजा चाची जैसे बिस्तर में बैठी वैसे मतलब ऐसे हमारे साथ भी सुबह हो गया था, हम भी उसी बिस्तर में बैठे, पता नहीं वो सॉफ्ट वाला क्या है कम्बल है गद्दा उसी में बैठे और एकदम से नीचे आ गए फिसल करके। वैसे ही पूजा के साथ भी हो गया। इधर का ना मौसम बहुत अच्छा है, यानी गर्मी बिल्कुल नहीं है, कल रात से ना इतनी बारिश हो रही है और अच्छा भी लग रहा है, मतलब एकदम से ना एकदम से ठंडा मौसम है। क्यों मनु? इसीलिए ना मनु लोगों को नींद बहुत आ रही है। कबूतर दिख गया क्या भौजी? हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लग रहा था कैसे सफ़र कर पाएंगे, क्योंकि अभी ना मायके की थकावट बिल्कुल नहीं गई है, लेकिन फिर भी भोले बाबा की कृपा है। अच्छा आइए हम आप सभी लोगों को दर्शन कराएंगे अभी चल कर के बुद्धा टेंपल का, उसके बाद आगे की प्रक्रिया बाद में होगी, पहले ये तो करिए। बुद्ध भगवान, जय हो बुद्ध भगवान। वाह कितना सुंदर मंदिर। इसके करने से बिट्टी क्या मिलेगा? पकड़ी मम्मी। और जल्दी 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 चलिए। वाह कितना सुंदर सामने पहाड़ दिख रहा है, कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का, लगता है देखते रहे। वाह भोले तेरी नंगरी, क्या पूछना है। यहाँ कई प्रसाद है। जय हो बुद्धेश्वर भगवान की जय। खड़े हो जाओ। जल में पूजा कर रहे हैं। क्या बेटी? महात्मा बुद्ध। अरे वाह बहुत सब। अच्छा अच्छा उसमें तो बहुत उसमें भी बहुत बढ़ गया। मनु आइए, स्वर्ग नगरी है भाई, स्वर्ग नगरी। हाँ कितना अच्छा, बहुत ही अच्छा, कितनी शांति मिल रही है, भोले बाबा की नगरी। यहाँ से दिखाइए पहाड़ों पे कैसे मकान बने हुए हैं। सच में हाँ पहाड़ों में मकान है। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। जय हो भोले बाबा, तेरी नगरी बहुत सुंदर है। अच्छा 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 ये सब तपस्या कर रहे हैं, क्या होंगे यहाँ पर, क्या बना हुआ है? ये आश्रम है, इधर सब आश्रम है। कितने छोटे छोटे मंदिर हैं, प्यारे प्यारे बने, पूरे मंदिर के परिक्रमा करवाते हैं आप लोगों को। हमारी YouTube फैमिली अगर आप लोग नहीं आए हो तो आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पर। कितना अच्छा लग रहा है। चलिए यहाँ मना भी नहीं कर रहे हैं कि फ़ोन मत चलाइए, है ना, नहीं हर जगह तो यही कहते हैं कि फ़ोन वीडियो मत बनाइए, फोटो क्लिप मत करिए, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा। पूरा परिक्रमा कर लीजिए, पूरे परिक्रमा करके नीचे चलते हैं। वाह कितना अच्छा लग रहा है। इतनी सुंदर है भोले तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। इधर से रास्ता होगा, आ जाइए। अच्छा यहाँ दीपक जल रहे हैं। अरे वाह जय हो, जय हो बुद्ध भगवान की जय हो। अंदर नहीं जा सकते, इतने दीपक जल रहे हैं। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। आप जरा बता सकते हो यहाँ कितने दीपक जल रहे हैं? अच्छा बता नहीं सकते,
सुबह जलाए जाते हैं सुबह। कर ली हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ कितनी सुंदर सी शॉप है, कितनी सुंदर सुंदर यानी गिफ्ट है, लेकिन हम लोगों के पास नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है। वाह सब लोग बाहर निकल गए हैं, चलिए बिट्टी जल्दी हाँ अभी आगे ले लीजिएगा। चलिए क्या अंदर भी सब जल रहा है, तो डेली सुबह ऐसे जलाया जाता है। कितने दीपक रहते हैं? अच्छा अच्छा देसी घी का दीपक है जलता है हाँ। तो हम हाँ जय हो बुद्ध भगवान की, जय हो बुद्ध भगवान की जय, जय हो जय हो जय हो जय। देखिए भैया जी भी कहने लगे कहाँ गए यूट्यूबर, कहाँ नहीं था सब भैया जी लोग फेमस कर देते। बुद्ध भगवान के दर्शन करके अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ गई भैया भैया जी जी भैया आप भी तो आ गए हमारे ब्लॉग में। अच्छा यार हम लोग का कार्ड वार्ड नहीं चलता होगा ना, लव ऑफ फोन दीजिए। चलिए सब लोग अपने अपने कार में सेट हो गए। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर।